नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के लदियानी गांव में। आपको बता दूं कि लदियानी गांव में आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे खबर, जो है एक आदमी के घर को जो महादलित है उनको मार पीट कर घर को जला दिया गया है। जैसा की आप देख पा रहे हैं इनको कपार को फोड़ दिया गया है। आखिर क्या मामला है, इनको कपार क्यों फोड़ गया, इनको घर को क्यों जला दिया गया, इन महादलित को क्यों उजाड़ दिया गया, इनके जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ दरभंगा से टीम भी आई हुई है, उन सब से हम बातचीत करेंगे। बाकी विशेष इन परिवार से बात करते हैं। आखिर क्या मामला था, क्या नाम हुआ आपका? राजवती देवी। की भले रहा सर? दारू पी के उधर सीधे आया। हाँ, जैसे घर ढुक गया, हाँ। सीधा घोर ढुक गले। हाँ। मोती रे गला में चाबी हो रहे, सीधा ऐसे पकड़ के तोड़ दल के सीधा लाठी सीधा बरसा किया। भले किया भले से ओतो भले दारू अथी डीजे वाला के साथ भले। अच्छा अच्छा। तो डीजे वाला के साथ भले तो ओकरा सब से भले तब सुत रहले सब। हां त हमार सुतल रहिए। कहियो का बात छिए ई? 10 तारीख के। अच्छा फिर त 10 तारीख के छ त हमार सुतल रहिए, सीधा सुतल रहिए त सुत के अचानक में अइले त ओकर बाद भजन बोल। त अचानक अहाँ के मार पीट लागले? हां अचानक। फिर आय के लागले? आय के 11 तारीख के। यानी कि सबसे पहले अहाँ सबके अइले मार पीटा लागले? हाँ हाँ। तकर बाद अहाँ सबके घर जला दलके? हाँ। अच्छा, अब जरा बताइए इन महादलित को इतने यानी बेरहमी पर पहले पीटते हैं, उसके बाद एक दिन के बाद घर जला दिया जाता है। हाँ। अब बताइए पुलिस प्रशासन फिर आयल रहे? हाँ आयल। की कहलके पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहलके, पकड़ के ले गए, छोड़ दल। अच्छा, पकड़ के ले गए? हाँ। जे अहाँ सबके मारल के? हाँ। अच्छा, फिर पुलिस प्रशासन छोड़ दल? छोड़ दल। सोचिए गरीब परिवार है, ये लोग कैसे अपना जीवन काटते हैं, ये लोग घर जला दिया जाता है, ये लोग को पीट दिया जाता है, ये लोग का कपार फोड़ दिया जाता है, ये लोग कैसे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इन लोगों को देखिए कपार को फोड़ दिया गया है। क्या कुछ हुआ, टाका भी लगा है? टाका अभी नहीं लगा। ना तो केना फोड़ दलका? किसी से मार लगे? हां। कति से? होकी से। अच्छा, क्या आदमी आ रहा? छह आदमी रात के? हाँ रात के। आप देख पड़े पूरे ग्रामीण जो है एकजुट में है, पूरे ग्रामीण के आंखों में आंसू आ गया है, यानी कि मातम फैल गया है कि हमारे एरिया में महादलित टोला में ऐसे जो दबंग लोग जो करते हैं तो हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग कैसे खाएंगे। इन लोग को जैसा कि आप देख पाए जो दरभंगा से टीम आई है उनसे राय विचार लेते हैं कि इन लोग के जो साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इन महादलित को ऐसे यानी कि छेड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम यादव। कहाँ से आए हैं? हम लोग दरभंगा जिला CPM के। अच्छा, अच्छा। जिला सचिव मंडल सदस्य हैं। अच्छा, अच्छा। और हम लोग ये जो घटना घटी हम लोगों को मालूम हुआ। हुँ। हम दरभंगा से हमारे साथी राज्य सचिव मंडल के सदस्य हम भारती आए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। कॉमरेड रघुनाथ जी आए हुए हैं और अशरफी दास आए हुए हैं। ये टीम पूरी टीम हम लोग इसको जाँच करने के लिए आए हैं। ये कहाँ तक सही है, महादलित को जो अपना गरीब पूरा आते हैं इनको पीट दिया जाता है? हम लोग इसको जाँच करने के लिए आए हैं जो सच्चाई क्या है। पुलिस तो माने कुछ भी करे लेकिन सच्चाई सामने निकल कर आएगा। हम लोग अगर पुलिस सच्चाई नहीं किया, इस महादलित को इंसाफ नहीं मिला तो CPM लगातार इसका आंदोलन करेगी और न्याय की मांग करेगी। दरभंगा के बड़ी पुलिस अधीक्षक जो हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे। बाकी विशेष आपका अपना परिचय? श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। क्या कहिएगा इन लोगों को, जैसे कि महादलित टोला के जैसे कि घर को जला दिया गया है? 10 या 11 तारीख को नदियामी गांव में जो दलितों के ऊपर कहर ढाया गया, उस लूटपाट की गई, आगजनी की गई, मारपीट किया गया दबंगों के द्वारा, उसके जांच के लिए हमारा 5 सदस्यीय टीम यहां आई है। और जांच के दौरान पीड़ित परिवार से हम लोगों ने बात किया है और पीड़ित परिवार ने बताया जो ये विवाद डीजे बजाने के सवाल पर राम बालक चौपाल और अमर मुखिया के बीच विवाद हो रहा था। अच्छा, अच्छा। ये चौपाल जी के जो संबंधी थे उनको पीटा जा रहा था, उसी में ये जो हैं लोरिक सदा। अच्छा, अच्छा। जिन्होंने बीच बचाव किया। अच्छा, अच्छा। जिसके खुन्नस में उनके घर पर हमला किया। अच्छा। घर को तोड़ दिया, उनके घर में लूटपाट किया, उनके पत्नी को घायल कर दिया। अच्छा। उनके माँ को घायल कर दिया। उनके पत्नी के द्वारा कुशेश्वर स्थान थाना में आवेदन दिया गया। अच्छा, अच्छा। उस आलोक में पुलिस आई और 2 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई। बाद में पुलिस उसको छोड़ दिया। अच्छा। छोड़ने के बाद पुनः जो अभियुक्त लोग थे उनका मनोबल बढ़ा और 11 तारीख को 1-2 बजे के बीच महादलित रात्रि में महादलित के घर में आग लगा दिया गया। ये जघन्य घटना हुई है। हम लोग इस घटना में जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं।
पुलिस किस आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके छोड़ दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग करते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग करते हैं और तमाम नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। बाकी क्या किया, ऐसे महादलित लोगों के साथ बार बार कभी कभी मार दिया जाता है, कपार फूले घर को जला दिया जाता है, कभी रेप हो जाता है, कभी लूट हो जाता है इन लोगों के साथ। ये जब से भाजपा के संरक्षण से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है तब से दलित महादलितों पर कहर बरपाया जा रहा है। सामंती जोर जुलुम अत्याचार सामाजिक उत्पीड़न की घटनाएं घट रही है। आज हम कहना चाहते हैं जो ये इतने बड़े घटना घटी महादलितों के साथ, लेकिन पुलिस किसके पक्ष में खड़ा है? पुलिस अपराधियों के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि आज ये जो महादलित हैं असुरक्षित हैं, महादलितों का कोई पहुंच नहीं है, जिसके चलते अपराधी लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। हम जो ये कुशेश्वर स्थान के थाना प्रभारी का जो कार्यशैली है, आज इस इलाके में अपराध बढ़ रहा है, ये दारू की कारोबार फल फूल रहा है, चोरी की घटनाएं हो रही है, और इसमें जो पुलिस का रोल होना चाहिए ये पुलिस रोल में नहीं है। इसीलिए दरभंगा पुलिस कप्तान से हम मांग करना चाहते हैं जो ये जो कुशेश्वर स्थान के पुलिस के कार्यशैली है उसकी जांच होनी चाहिए, और नदियामी के जो महादलित मुसहर परिवार के लोगों पर जो कहर ढाया गया है उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमारी पार्टी CPIM इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विरोध मार्च करेगी, आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। आप अपना परिचय? हमारा नाम रघुनाथ झा। ये हाँ। बताइए कहाँ तक पुलिस प्रशासन सही काम किया है? पुलिस प्रशासन का सही काम नहीं है। हाँ। अभी जो हमारे साथी बोले हैं, सवाल है, ये डबल सरकार है, इसमें न्याय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें न्याय का कारण ये जो है सो टोटल सामंतशाही का ही वो लोग संरक्षण करते हैं, और गरीब के विषय में जो भी कोई वातावरण है उसको नहीं। हम कहते हैं कि आज पुलिस पकड़ के ले जाए और उसके बाद उसको छोड़ दे, यह कितनी निंदनीय वातावरण है। अगर उसको नहीं पकड़ छोड़ता तो यह घटना नहीं घट सकती। उसी दिन जो मारपीट लगा उतना ही तक रहता, लेकिन इसके बाद कारण है कि अभी की जो सरकार है टोटल जब से BJP का जो है संरक्षण है तो निश्चित रूप से गरीब विरोधी है, गरीब के विषय में सोचना नहीं चाहती है। प्रशासन नाम का कोई चीज़ें नहीं है। प्रशासन को जो चाहिए कारण हम लोग तो देखे हुए हैं जो प्रशासन क्या था कारण, उसके डर से जो है सो कोई बोलता नहीं था, लेकिन प्रशासन कारण जब बिक जाता है तो क्या होगा। इसीलिए हम लोग हैं कि आए हैं, देखे हैं, देखने के बाद अगर इस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई और पुलिस पर मैं जांच करके उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई और इसको न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सो आंदोलन करेंगे, और काफ़ी हिसाब से शुरुआत है, हम लोग वैसे कर रहे हैं। 16 तारीख के इसके विषय में भी हम लोग आवाज़ उठावेंगे अनुमंडल पर, जो यह एक बहुत बड़ा घटना है और उस पर में प्रशासन का बहुत लापरवाही के चलते यह बात। बाकी ये लोग दरभंगा से चल के आए हैं, इन लोग को इंसाफ देने के लिए है। दरभंगा SP महोदय से जो है लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी आइए वो दृश्य दिखाते हैं जो महादलित जिस घर में बसते थे, जिस घर को जला दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वही घर है, इसी घर में वो रहते थे, रात जाते थे, इसी घर को जो है देखिए किस प्रकार से जो है जला दिया गया है। बाकी विशेष उस महिला को जो पीट के कपार ही फोड़ दिया गया, सर को फोड़ दिया गया है, ये कहां तक सही है महादलित के लोगों को जो घर को जला दिया जा रहा है? ये तो अभी जो सरकार है डबल इंजन का सरकार जो है ये तो दोहरी नीति जानता है, और गरीबों के साथ अन्याय जहां कहीं भी होता है वो चुपके साथ देते हैं, और ये पुलिसिया जुलूम भी होता है। ये जो है बताइए इन लोग का कहना है जो पुलिस आया और रास्ते में उनको छोड़ दिया गया, तो किसी को मर्डर कर दे, किसी को घर लूट ले, किसी का बहू बेटी का इज्जत लूट ले, किसी को खून कर दे और पुलिस छोड़ दे। तो ये सबसे भारी तो है पुलिस जुलूम कर रहा है आम जनता से बढ़ करके, तो ये पुलिस जुलूम कर रहा है, तो ये पुलिसिया जुलूम कब तक सहेगा जनता, है ना? और ये दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है ये जो है सहने लायक नहीं है। इसके लिए हम लोग जो है दरभंगा जिला के राज में भी जाना पड़ेगा, केंद्र में भी जाना पड़ेगा, तो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, है ना? क्योंकि दलित परिवार को
है ना, इस तरह का जो है दुर्व्यवहार करना, घर जला देना, घर लूट लेना, कोई भी हो, हम ये नहीं कहते हैं, कोई भी अगर गरीब के साथ, दलितों के साथ अन्याय होगा तो CPIM का लोग जो है चुपकी नहीं साधने वाला है, वो किसी से डरता नहीं है, है ना। अगर ये अपने आप में जो है यहाँ के जो है लोग जिस तरह का ये घटना घटाया है तो ये गांव में दबंग है, इस गांव से बाहर निकल के दबंग दिखा दे तो फिर हम इसको देखते हैं कितना पावर है इसको। हाँ, इस गांव से बाहर निकल कर भी तो दबंग दिखा दे, जैसे हम लोग दरभंगा से आए हैं और जो सत बात है बोल रहे हैं, तो अगर इनके पास पावर है तो इस गांव से बाहर निकल करके दबंग दिखा दे, फिर हम मान लेंगे जो हाँ बहुत बड़ा दबंग है और बहुत बड़ा जो है ये सामंत विचारधारा के लोग है। ये गरीबों के साथ अत्याचार करके जो है क्या अपने आपको दबंग समझता है? क्या, बिल्कुल है? बहुत जुल्म हुआ है और ये जुल्म सहने लायक नहीं है। हम लोग जो है ऊपर सरकार को जो है लिखेंगे और ये पुलिस के खिलाफ तो जरूर जो है हम लोग जो है ना संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कुशेश्वर स्थान जो पुलिस जो है इस तरह का जो घट मतलब जो है छूट दिया है इसके लिए जो है। हाँ, बाकी विशेष जो है ये लोग जो दरभंगा स्थिति में आए हुए हैं ये पुलिस पर पूरी कड़ी मशक्कत कर दिए हैं। बाकी पुलिस जो होता है जनता को जो है रक्षा करने के लिए अभी जो है भक्षक बन गया, इन लोगों को देखिए कैसे छोड़ दिया जा रहा है, दबंग को पकड़ लेते हैं, आधा रास्ता में जाकर छोड़ देते हैं। बाकी इस खबर के लेकर आप लोग क्या कुछ कहते हैं कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।